आप लोग आज से मेरे साथ करेंगे भारत दर्शन। मैं आप लोगों को पूरा भारत देश घुमाऊंगी, साथ ही साथ हम एक एक राज्य पर बात करेंगे, उस राज्य पर जो प्रमुख नदियां हैं, जो भी वहां पर पर्वत है, अगर कोई नेशनल पार्क है, अगर वहां पर कोई विशेष जीव पाया जाता है, अगर उस राज्य में कोई विशेष जनजाति पाई जाती है, या फिर अगर उस विशेष राज्य के बारे में अगर मान लो कोई हिस्ट्री है, कुछ अगर इतिहास है जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो वो बताऊंगी। या फिर अगर कोई संविधान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है जो आने की संभावना है, तो वो बताऊंगी। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से करते चलेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, 50% तो यहीं से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज से हम लोग पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ये पहला लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। हम जम्मू एंड कश्मीर राज्य से बात करेंगे। तो इस राज्य पर बात करने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका थोड़ा सा इतिहास जान लें। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, कैसा हुआ था। 1947 से अपन बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। समय है 1947। आप लोगों को पता है 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, और साथ ही साथ हमारे भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में, एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बनाते हैं। वहीं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद होता है और वो दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में बढ़ जाते हैं। लेकिन बात है उसी समय 1947 की, यहाँ पर हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट। जिसे आप लोग देसी रियासत के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसली स्टेट, या फिर इसे हम देसी रियासत कहते हैं। देसी रियासत से तात्पर्य है वहाँ पर जो वहाँ का जो क्षेत्राधिकार था या फिर वहाँ की जो प्रशासन थी वो राजाओं के हाथ में थी, और महाराजा या फिर राजा लोग ही वहाँ पर अपना पूरा कार्यकाल संभालते थे। तो बात है 1947 की, जब प्रिंसली स्टेट के लिए एक एक्ट पारित किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। प्रिंसली स्टेट के लिए एक एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट की तीन प्रमुख बातें थी। फर्स्ट है, या तो ये हमारे भारत में शामिल हो जाए, सेकंड था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर थर्ड कंडीशन इनके लिए थी, ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनके लिए थी थर्ड कंडीशन कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते थे। स्वतंत्र राज्य ना, मतलब इसका मतलब ये है ना ही ये भारत में सम्मिलित होते ना ही ये पाकिस्तान में सम्मिलित है, तो ये अपना एक अलग अस्तित्व बनाकर स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते थे। 1947 में बहुत से राज्य हुए उस टाइम पे, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो भारत में जब सम्मिलित हो रहे थे तो वो साइन कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसे आप विलय पत्र कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में सम्मिलित होना चाहते थे, जो इंडिया के अंतर्गत रहना चाहते थे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर रहे थे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह ने 1947 में ये फैसला लिया कि ये ना ही पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे ना ही भारत में सम्मिलित होंगे, ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेगा। मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेगा, एक स्वतंत्र राज्य रहेगा। जो जम्मू कश्मीर है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेगा और अपना अलग पहचान बना के रखेगा।
आप सभी जानते हैं जो जम्मू कश्मीर है वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में मुस्लिमों का पाया जाता है। इसलिए जो पाकिस्तान के जो फाउंडर थे उनकी प्रबल इच्छा थी कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये देखिए आप लोग सभी जानते हैं, ये भारत को थोड़ा सा मैप समझ लीजिए, उसकी सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान। ये है जम्मू कश्मीर और यह है पाकिस्तान। इसके जो यहाँ सीमा में जो आसपास में रहते थे, यहाँ पर रहते थे कुछ कबीलाई क्षेत्र, कुछ कबीलाई लोग रहते थे, कोई विशेष जनजाति जो वहाँ पाई जाती थी इस एरिया में। पाकिस्तान के साइड में जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ में अपना सीमा साझा करता था, इन लोगों का मेन काम ही रहता था लूटपाट करना, घुसपैठ करना और चीज़ों को लूटना, और यही लूटपाट करके ही अपना जीवन चलाते थे। तो जो पाकिस्तान के साइड से कहा गया कि इनको जो भी जिस प्रकार की भी मदद चाहिए वो मदद उन्हें मिलेगी और ये जम्मू कश्मीर पर हमला करें और जम्मू कश्मीर में लूटपाट करें। अब चूंकि इनका काम ही था लूटपाट करने का, तो ये जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ के पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हुए, मतलब इतना ज़्यादा हिंसा कभी जम्मू कश्मीर वाले देखे नहीं थे, इतना ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति करते हुए मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, जो चीज़ मिल रहा है उसे लूट के ले जा रहे हैं, इस प्रकार का हरकत करने लगे। अब ये पहुँच चुके हैं जम्मू कश्मीर तक के। अब जो यहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, इन्हें लगा कि अब जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब ये नहीं संभाल सकते, अब ये जो स्थिति है ये वाली ये नियंत्रण से बाहर है। तो ये जो है महाराजा हेल्प मांगते हैं इंडिया से, हेल्प की उम्मीद करते हैं इंडिया से। इंडिया वालों ने कहा कि आप एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हैं तो फिर हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, लेकिन यदि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर देते हैं, इस पर अगर आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। महाराजा हरि सिंह की कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो मान जाते हैं विलय पत्र पर साइन करने के लिए और साइन कर देते हैं। कब साइन करें हैं, 26 अक्टूबर 1947, ये डेट आप लोग याद रखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है वो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिया है। जो विलय पत्र था इसमें बहुत सारे कंडीशन थे, विलय पत्र के अंतर्गत बहुत सारे कंडीशन थे। उस कंडीशन में दो कंडीशन है जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोगों को पता रहना चाहिए, एक है क्लॉज 7 और क्लॉज 8। क्लॉज 7 में ये लिखा गया है कि जो देखिए बात इस समय की, आप लोग सभी जान रहे हैं 1947 में जब ये लोग विलय पत्र पर साइन किए उस टाइम लिखा हुआ कि जब भारतीय संविधान बनेगा, भारतीय संविधान 1947 में नहीं बना था, तो बन रहा था, तैयारी चल रही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी, है ना, संविधान सभा बन रहा था उस टाइम, संविधान क्या होगा कैसा होगा उसका प्रारूप तय किया जा रहा था। तो जब भी भारतीय संविधान बनकर तैयार होगा तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब जम्मू कश्मीर वाले उस संविधान, आप लोगों के संविधान को मानेंगे या फिर उसको फॉलो करेंगे, मतलब कि जम्मू कश्मीर वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं था कि वो हमारे संविधान का पालन करें। अगर उनको सही लगता तो वो पालन करते, अगर उनको सही नहीं लगता तो वो पालन नहीं करते, ये लिखा हुआ है क्लॉज 7 में। वहीं पर क्लॉज 8 में लिखा हुआ है ये सार्वभौमिकता चाहते थे अपने लिए, एक स्वतंत्र होकर रहना चाहते थे, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख नेता हुआ करता था उस समय, 1947 की ही बात है, 47-48 मान लीजिए, उस समय का प्रमुख नेता था शेख अब्दुल्ला, ये भी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये नाम शेख अब्दुल्ला। ये जो शेख अब्दुल्ला है ये चाहते थे संपूर्ण लोकतंत्र, नेता है अच्छा ही चाहेगा अपने राज्य का, ये संपूर्ण लोकतंत्र चाहते थे।
मतलब जो जम्मू कश्मीर है वो पूर्ण लोकतंत्र बन सके। अब इसीलिए जो राजा हरि सिंह हैं इन्हें भेज देते हैं संविधान सभा में मांग रखने के लिए। ये संविधान सभा में जाते हैं अपनी मांग लेकर और ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मतलब स्वराज्य। स्वराज्य मतलब कि एक देश के अंदर दूसरा राज्य, इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है अंबेडकर जी के द्वारा। जो अंबेडकर जी है सीधे सीधे कहते हैं कि मैं अपने देश के अंदर एक और देश नहीं चाहता। अगर मान लो ये लाइन आ जाती है आप लोगों के एग्जाम में कि मैं अपने देश के अंदर एक और देश नहीं चाहता जम्मू कश्मीर को लेकर, ये किसने कहा था, तो ये अंबेडकर जी का क्योट है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहली बार शेख स्वराज्य की मांग किसने की थी, तो सबसे पहली बार स्वराज्य की मांग शेख अब्दुल्ला ने की थी। ये दो बातें याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आता है शेख अब्दुल्ला को तो सिरे से खारिज कर दिया गया है अंबेडकर जी के द्वारा, उन्हें बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने स्वराज्य की मांग को मना कर दिया। इसके बाद उसी समय दीवान हैं हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के दीवान हैं, इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका नाम है गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर ये नेहरू जी के अच्छे मित्र हैं। ये कहते हैं कि अभी हम एकदम से विलय के लिए तैयार नहीं हैं, अभी अचानक से इतना कुछ हो रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो हम एकदम से विलय नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें कुछ विशेष छूट मिलनी चाहिए जिसे हम विशेष दर्जा कह सकते हैं। मतलब कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का जो दर्जा की मांग की थी वो किसने की थी, सबसे पहली बार गोपाल स्वामी आयंगर ने की थी। ये रही जम्मू कश्मीर के बाद सबसे पहला विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। उस समय जो था ड्राफ्टिंग कमिटी बनी हुई थी, ड्राफ्टिंग कमिटी ने इनकी बात को स्वीकार किया, इन्हें हाँ कह दिया कि हाँ हम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर देंगे। अब ये ड्राफ्टिंग कमिटी बनी हुई है, यहाँ पर संविधान सभा के लोग संविधान निर्माण के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो संविधान सभा के लोग हैं ये ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कि ड्राफ्ट का मतलब है कि संविधान में कैसा कैसा संविधान का प्रारूप होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा, क्या होगा, कौन सी अनुसूची होगी, ये सब ड्राफ्ट के अंतर्गत आएगा, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी वाले लोग तय कर रहे हैं। उस समय ये कह देते हैं कि ये जो विशेष दर्जा है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हम आर्टिकल 306A के अंतर्गत देंगे। इन्होंने बात कही है, सिर्फ ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जो संविधान सभा, इन्होंने कहा है कि हम जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 306A के अंतर्गत दिया जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 306 किससे रिलेटेड है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 306 में क्या लिखा गया था। तो इसमें भी विशेष राज्य, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिर्फ बात कही गई थी कि जब भी संविधान बनेगा तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन जब संविधान बना और संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो आर्टिकल 306 में इसका उल्लेख ना होकर, 6 में इसका उल्लेख ना होकर किसमें है, आर्टिकल 370 में किया गया, आर्टिकल 370 में लिखा गया। मतलब कि जब संविधान ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, जो संविधान सभा वाले थे, वो ये बोले थे कि इस आर्टिकल में हम जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त, विशेष राज्य का जो दर्जा है वो आर्टिकल 306A के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन जब संविधान बना, जब रियल में संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसके आर्टिकल 370 में इसका उल्लेख था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। Thank you.
अंतर को आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब संविधान सभा बना उस समय आर्टिकल 306 में कहा गया था कि हम 306 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। सिर्फ बात कही गई थी कि हम यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसा एकदम निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब संविधान के आर्टिकल 370 में इस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये सिर्फ बात कही गई थी लेकिन इसमें दिया नहीं गया, दिया तो इसी में गया आर्टिकल 370 में। आर्टिकल 370 को आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं क्या है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 370 के ऊपर। आर्टिकल 370 क्या है, कैसा है, उसे जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लो, ये जो आर्टिकल 370 है वो अनुच्छेद संविधान के भाग 21 में उल्लेखित है। आप लोग जान रहे हैं जैसे कि संविधान भाग एक है, भाग दो है संविधान में, उसी प्रकार संविधान भाग 21 में आर्टिकल 370 का उल्लेख किया गया है। जैसे कि भाग दो में नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित पूरे प्रावधान भाग दो में दिए गए हैं, उसी प्रकार भाग 21 बनाया गया है जिसमें कुछ विशेष टॉपिक पे चर्चा की गई है। भाग 21 में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। भाग 21 इसका जो टाइटल है इसमें तीन प्रमुख बातें लिखी गई हैं। पहला है कि जो भाग 21 होगा वो अस्थाई होगा। अस्थाई का मतलब समझ रहे हैं, वो कभी भी मतलब स्थाई नहीं है, कभी भी बदला जा सकता है या फिर कभी भी इसे ख़त्म किया जा सकता है। भाग 21 के अंतर्गत ही आर्टिकल 370 आ रहा है, मतलब कि जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इसे भी, यह भी स्थायी नहीं है, यह भी अस्थायी है। मतलब जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वह भी स्थायी नहीं है, उसे भी कभी भी बदला जा सकता है। पहला तो ये था कि ये अस्थायी है, इसे कभी भी बदला जा सकता है। सेकेंड इसमें बात लिखी गई थी संक्रमणशील, संक्रमणशील का मतलब ये है कि जो किसी विशेष राज्य में त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं, अचानक हो जा रहा है, कंटिन्यू वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण नहीं, वहाँ से रिलेटेड जो भी थिंग है तुरंत परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव कोई चीज़ है, उसके लिए संक्रमणशील का वर्ड का उपयोग किया गया है। तो एक ये रखा गया है, एक अस्थायी रहेगा, संक्रमणशील रहेगा, और तीसरा है विशेष राज्य। विशेष राज्य तो विशेष राज्य क्या है, आर्टिकल 370, ठीक है। 370 में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाग 21 के अंतर्गत तीन टाइटल है, पहला है अस्थाई, अस्थाई का मतलब है कि ये स्थाई नहीं है, इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 370 है इसे भी हम कभी भी समाप्त कर सकते हैं। सेकेंड है संक्रमणशील, अगर वहाँ पर कोई त्वरित अचानक परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है तो संक्रमणशील। और थर्ड है विशेष राज्य, इस विशेष राज्य के अंतर्गत ही आर्टिकल 370 को शामिल किया गया था और इस 370 में ही है जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। अब जम्मू एंड कश्मीर को क्या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उस विशेष दर्जे में क्या क्या शामिल है उसको थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर है उसे आर्टिकल 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस विशेष राज्य के दर्जे में, विशेष राज्य में मतलब जो विशेष दर्जा प्राप्त है उसमें क्या है, पहला है जो भी विदेशी मामले होंगे, दूसरा है संचार, और थर्ड है रक्षा क्षेत्र। ये तीनों विषय को याद रखिएगा, एक है विदेशी मामले, संचार और रक्षा क्षेत्र। इन तीनों मामले पर कानून या फिर नियम बनाने का अधिकार, नियम या कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई विदेशी मामला है, अगर कोई संचार वाला मामला है, और यदि कोई रक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई मामला है, तो इस पर नियम बनाने का अधिकार संसद को है।
इसके अलावा इन तीन जो टॉपिक हैं, इन तीन टॉपिक के अलावा यदि संसद कोई भी नियम या कानून बनाती है तो उसे जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति आवश्यक होगी। इन तीन टॉपिक पर जो नियम बनाए जाएंगे वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई टॉपिक है जिस पर संसद अगर नियम या कानून बनाती है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति आवश्यक होगी। ये इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होते हैं, दिख रहा है आपको ये तीन मामले। उसके अलावा अगर कोई भी नियम कानून बनाना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति आवश्यक होगी। अगर इन लोगों से अनुमति नहीं मिलती है तो नियम कानून वहाँ पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों पर सीआरपीसी की धारा लागू नहीं होती, दूसरा आईपीसी की धारा लागू नहीं होती। इनके लिए निवारक निरोध कानून आप लोग जान रहे हैं, संविधान अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। निवारक निरोध कानून क्या होता है? निवारक निरोध कानून इन पर लागू नहीं होता। यहाँ के लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य की परिभाषा में शामिल ही नहीं है। जो राज्य की परिभाषा में जो राज्य शामिल है उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। ये आप लोगों को दिख रहा है कि अन्य राज्यों से कैसे अलग हो गया और कैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है आर्टिकल 370 के अंतर्गत। एक तो ये तीन देखे हैं आप लोग कि जो नियम और कानून बनाएगा तीन विशेष क्षेत्रों में वो है संसद बनाएगा, और दूसरा ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। ये है आर्टिकल 370। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या था इसके अंतर्गत आर्टिकल 370 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जा सकता है। भाग 21 में लिखा हुआ है आर्टिकल 370, और पहला ही भाग 21 में लिख दिया गया है कि ये क्या है, अस्थाई है। अस्थाई है, अस्थाई का मतलब ये है कि इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो 370 को भी कभी ना कभी तो समाप्त किया जाएगा, इसे कंटिन्यू कोई स्थाई तो नहीं रहेगा। आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 370 के अंतर्गत सब क्लॉज 3 उसमें उल्लेख किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसे विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त हो उसे कैसे हटाया जा सकता है। उसमें साफ साफ लिखा है जो राष्ट्रपति है वो नियम बनाकर राष्ट्रपति ऑर्डर पास करके राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करेंगे और उसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक बात यह है कि ऑर्डर पास करने के साथ साथ उस ऑर्डर को सब क्लॉज 3 में लिखा गया है कि 370 को कैसा हटा सकते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर को पास करके जो जम्मू कश्मीर है ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर पास करने के साथ उस ऑर्डर को जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो संविधान सभा है उसकी अनुमति आवश्यक होगी। उसके अनुमति आवश्यक होगी मतलब जो आर्टिकल 370 है उसके सब क्लॉज 3 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति है जो जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रपति है एक ऑर्डर पास करेंगे आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर को जम्मू और कश्मीर की जो संविधान सभा है उसकी अनुमति आवश्यक होगी हटाने के लिए। जब इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो रहा था, ये अपने लिए अलग स्वराज की मांग कर रहा था, उस समय
स्वराज तो नहीं दिया गया था, लेकिन इनके लिए ठीक है कहा गया कि तो अपने लिए नियम कानून अलग से बना लो, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये हुआ था 1951 में, अलग से संविधान सभा बनी हुई थी, तभी तो सब क्लॉज 3 में लिखा गया है कि संविधान सभा की अनुमति आवश्यक होगी इसके साथ ही, लेकिन 1956 में ये भंग हो गई थी, वहाँ की जो संविधान सभा है भंग हो गई थी। अब हमको काम तो संविधान के अनुसार ही करना है, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति ऑर्डर पास तो करेंगे लेकिन उसके लिए संविधान सभा की अनुमति होगी। अब जब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा ही नहीं है तो फिर इसे हम जो ये अस्थाई है उसको कैसे हम कैंसिल करें, कैसे 370 को हम हटा सकते हैं। तो आप लोग एक इससे रिलेटेड एक आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखेंगे, आर्टिकल 367, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे याद रखेंगे। इसमें लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के किसी विषय पर, संविधान के किसी भी विषय पर, संविधान के किसी विषय की व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 367 में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अगर उन्हें लगता है कि संविधान के किसी विषय में बदलाव करने की जरूरत है या कुछ चेंज करने की जरूरत है या फिर उन्हें कुछ लगता है कि कुछ परिवर्तन आवश्यक है, तो वो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 367 के अंतर्गत ये कर सकते हैं कि संविधान के किसी विषय की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति ऑर्डर पास करेंगे और साथ ही संविधान सभा की अनुमति आवश्यक होगी। अब सबको दिख रहा है कि वहाँ पर संविधान सभा है ही नहीं, तो संविधान सभा किसे माना जाएगा। तब अपने इस आर्टिकल का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर पास किया और इस व्याख्या करी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसे ही हम वहां की संविधान सभा मानेंगे, ये जरूरी था। अगर संविधान सभा रहता ही नहीं तो फिर कैसे हम आर्टिकल 370 को हटा पाते, इसलिए राष्ट्रपति ने ये व्याख्या करी है अपने आर्टिकल 367 का प्रयोग करके। आप लोगों से ये पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति ने ऑर्डर किया था कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को संविधान सभा का दर्जा दे दिया था, ये किस आर्टिकल के अपनी शक्ति का प्रयोग करके किया था, तो आर्टिकल 367 इसका उपयोग करके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप लोग। आर्टिकल 367 राष्ट्रपति संविधान की किसी भी विषय पर व्याख्या कर सकते हैं, उन्होंने व्याख्या की और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा, जो संविधान सभा है उसे आज की बात से हम विधानसभा ही मानेंगे, मतलब कि जो संविधान सभा है उसे, अब संविधान सभा तो है नहीं तो इसका काम कौन करेगी, विधानसभा करेगी। और ये किया गया आर्टिकल 370 के अंतर्गत। आप लोग कुछ एक बात और जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसे कैसे हटाया गया। आर्टिकल जो 370 है इसके बारे में आप लोग जान गए हैं कि इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त है। आर्टिकल 370 में ही एक चीज़ और लिखी गई है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्या रहेगा उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, देखिए आर्टिकल 370 में आप लोग ये जान गए हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उसके अंतर्गत आप लोग जान गए कि विशेष राज्य का दर्जा किस प्रकार से प्राप्त है। उसी में आर्टिकल 370 में एक लाइन और ये उल्लेखित थी कि जो राष्ट्रपति है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेंगे और कभी भी जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ अगर उन्हें जोड़ना है, कुछ नया अगर उसमें परिवर्तन करना है तो वो जोड़ सकते हैं, सिर्फ एक ऑर्डर पास करके, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक पास करेंगे और उसके तहत जम्मू कश्मीर में कुछ भी जोड़ सकते हैं।
राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का भी प्रयोग किया है और साथ में जोड़ा है आर्टिकल 35A। इसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे और जान रहे होंगे कि क्या है, थोड़ा सा मेरे से जान लीजिए। आर्टिकल 35A राष्ट्रपति ने 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया और संविधान के परिशिष्ट संविधान के परिशिष्ट में आर्टिकल 35A को जोड़ा। आर्टिकल 35 को कैसे जोड़ा गया है? आर्टिकल 35 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जोड़ा गया है, इसे भूलेंगे नहीं, है ना। इसे संविधान के टाइम में नहीं था, ये 1954 की बात है। 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से संविधान के नेक्स्चर में आर्टिकल 35A को जोड़ा गया है। इसमें दो बातें सम्मिलित थी, मतलब कि राष्ट्रपति को ये पता था, राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर को कुछ और विशेष दर्जा देना चाहते थे, तो एक इसके अंतर्गत था। आर्टिकल 35 में दो बातें थी, पहला था नागरिकता। जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता किसे दी जाएगी, यह तय करने का अधिकार था वहां की विधानसभा को। मतलब जम्मू कश्मीर में कौन नागरिक होगा, जम्मू कश्मीर के नागरिक कौन कौन कहलाएंगे, ये जो तय करेगी वो कौन करेगी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी। इसमें संविधान उनका अलग संविधान चलता था, जिसके हिसाब से वे लोग नागरिकता को तय किए 35A के अंतर्गत, कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता किसे दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी, ये वहाँ की विधानसभा तय करेगी। और दूसरा था वहाँ की संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था? जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जाकर अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकता था, जैसे कि हमें मौलिक अधिकार में प्राप्त है कि हम पूरे भारत में जहाँ भी चाहे वहाँ अपनी संपत्ति अर्जन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना जो भी जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हम जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर संपत्ति अपनी नहीं खरीद सकते। यहाँ की संपत्ति को खरीदने का अधिकार केवल और केवल वहाँ के नागरिक को होगा। दूसरी बात ये लिखी गई थी, अब कैसे वहाँ के नागरिक को होगा, सिर्फ वहाँ के जो नागरिक होंगे वही संपत्ति, परिसंपत्ति या फिर किसी भी प्रकार की भूमि अर्जन का कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला है जो विवाह करके किसी अन्य राज्य में चली गई है, तो विवाह के उपरांत, मतलब वो शादी के बाद अगर अपनी जम्मू कश्मीर में अगर कोई जगह चाहती है, तो वो उस जगह पर भी अपना नहीं खरीद सकती, उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। शादी से पहले अगर वो जम्मू कश्मीर में है तो वो बिल्कुल खरीद सकती है, लेकिन अगर शादी होकर किसी वो अन्य राज्य में चली गई, दूसरे राज्य में चली गई, उसके बाद उसको जम्मू कश्मीर में अपनी संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये भूमि अर्जन नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 367 पर, वापिस आ जाइए। आर्टिकल 367 कभी भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के किसी भी भाग की व्याख्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने संविधान के एक भाग की व्याख्या की, उन्होंने क्या कहा, जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसे, उसका कार्य कौन करेगी, विधानसभा, मतलब कि विधानसभा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है, मतलब इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने ये कहा है।
अब बात यह है कि आर्टिकल 367 से राष्ट्रपति ने यह पारित कर दिया कि हाँ आज के बाद से जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो विधानसभा है, मतलब जी उसकी संविधान सभा थी, वो संविधान सभा का जो काम है वो विधानसभा करेगी। मतलब अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो राष्ट्रपति नॉर्मल एक अपना ऑर्डर पास करेंगे, और उस ऑर्डर को पास करने के बाद जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहाँ से अगर अनुमति मिल जाती है तो वो ऑर्डर पास हो जाएगा, और जो जम्मू कश्मीर है वो अब इसको विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है वो हट जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 370 समाप्त हो जाएगा, ऐसा किया गया। और लगभग अगस्त 2019 की बात है, जुलाई अगस्त का टाइम है ना, ये किया गया। और राष्ट्रपति ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया, राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास किया और कहा कि अब से जो जम्मू कश्मीर है उसको जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उसे हम समाप्त करते हैं। लेकिन बात है कि जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा, जम्मू कश्मीर में उस वक्त लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास कर दिया कि अब से जो जम्मू कश्मीर है वो उसे का जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो उसे विशेष छूट मिली हुई थी, वो अब हम समाप्त करते हैं। इसको समाप्त करने के बाद वहाँ की विधानसभा से अनुमति आवश्यक थी, लेकिन समय जब राष्ट्रपति ने यह ऑर्डर पास किया उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा था, मतलब कि यहाँ की जो विधानसभा थी वो भंग थी, यहाँ पर विधानसभा नहीं थी ना, यहाँ की विधानसभा भंग थी। अब जब विधानसभा भंग है, राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो क्या होगा, ये जो विधानसभा की शक्ति है किसके पास आ जाएगी, संसद के पास आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, आर्टिकल सॉरी राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास किया है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे अब हम हटा रहे हैं, आर्टिकल 370 को समाप्त करते हैं। उसके लिए चाहिए था विधानसभा की अनुमति, और जब ये ऑर्डर पास किया गया, राष्ट्रपति ने जब ये ऑर्डर पास किया उस समय वहाँ पर लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, और जब राष्ट्रपति शासन रहता है तो वहाँ की विधानसभा भंग थी, वहाँ पर नहीं थी विधानसभा, तो विधानसभा का कार्य कौन करेगी, संसद करेगी। संसद ने अनुमति दी और आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। ये बात है 2019। ठीक है, अब आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, इसी के अंतर्गत था आर्टिकल 35A, अभी मैंने बताया, ये भी समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था ये भी समाप्त, आर्टिकल 35A भी समाप्त, कि वहाँ पर जो भी परिसंपत्ति अर्जन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा वो ही जाकर खरीद सकता है। ये था आर्टिकल 370 और 35A। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया समाप्त, अब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया, अधिनियम कह सकते हैं, आयोग नहीं अधिनियम, 2019। क्या है ये, या फिर इसे हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसको करके जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये करेंट का मामला, इसे तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये दोनों को क्या बनाया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये बात है 5 अगस्त 2019। एक एक्ट पारित किया गया है जिसके तहत अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और ये है आज तक की स्थिति जो अब जम्मू कश्मीर का है। अब वहाँ पर उसका जो विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था जम्मू एंड कश्मीर को वो हट चुका है,
और वो समाप्त हो चुका है और अब ये सिर्फ वो केंद्र शासित प्रदेश है दो, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इतनी तक कि आप अपनी तैयारी बना के रखिए। इसके आगे अपन कल बात करेंगे कि इसके आगे और क्या हो सकता है। यहाँ की विशेष जो नदियाँ हैं जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, आप लोग जान रहे हैं, उस नदियों के बारे में हम बात करेंगे, उसमें अगर कोई विशेष जीव है उससे बात करेंगे और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई तथ्य होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।